fun.com में मैं हूँ आपके साथ वागीशा और आज हम आपको लेकर चलते हैं गर्मी के मौसम की ओर जहाँ लोगों को ठंडक की जरूरत होती है। आज हम आपको ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जो आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे। देखते रहिए hamasan.com। गर्मी दिन पर दिन बढ़ती नजर आ रही है और ऐसे में लोगों को ठंडक की काफ़ी ज़रूरत होती है। आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपके शरीर को ठंडक पहुंचाएगी। जी आज हम सबसे पहले बात करेंगे आलू बुखारा की। स्वाद में खट्टा मीठा आलू बुखारा एंटीऑक्सीडेंट का एक बड़ा स्रोत है। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए आप कुछ आलू बुखारे पानी में भिगो दें, उसके बाद उन्हें पानी में पेश करें। यह शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर छाछ व मट्ठा। छाछ को कौन नहीं जानता, आखिर छाछ खट्टी मीठी जो होती है। छाछ प्रोबायोटिक्स का एक अच्छा स्रोत है जो शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करने में मदद करता है। गर्मियों के दिनों में नियमित रूप से छाछ का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और लू से बचाव भी होता है। वहीं एक और इमली का पानी। इमली गर्मियों में लू से बचने के लिए एक अच्छा इलाज है। इमली में विटामिन खनिज और इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में मौजूद है। इमली को गर्म पानी में भिगोए और इसे एक नया आधा चम्मच चीनी के साथ लें। इसे पानी से आपके शरीर का तापमान सामान्य रहता है। वहीं एक और नारियल पानी। नारियल का पानी गर्मी में बहुत फायदेमंद होता है। यह शरीर में प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करता है और शरीर को पुनर्जीवित करके ऊर्जा देता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और यह आपको लू से सुरक्षित रखता है। वहीं दूसरी ओर नींबू पानी। यूं तो हर मौसम में नींबू पानी पीना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में नींबू पानी दवा की तरह काम करता है। हर दिन सुबह शाम नींबू पानी से शरीर बीमारियों से दूर रहेगा और शरीर को ऊर्जा मिलेगी। ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए hamasan.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.